Hello everyone, welcome in my organic chemistry classes. Today I will discuss about the physical property of alkyl halide. In the last class we have already discussed in this chapter हमने last class में इस chapter के अंदर बहुत सारी बातें आपको सिखाई थी. आज हम एल्काइल हैलाइडों की फिजिकल प्रॉपर्टी बताएंगे. लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं, इट मींस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. तो आज हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और आफ्टर देन हम इनकी आपको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट. कि फिजिकल स्टेट क्या होती है, कि एल्काइल हैलाइड हमें कैसे नजर आएंगे, कैसे विजिबल होंगे, इनकी डेंसिटी क्या होगी, इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिसाइड होता है, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, आज हम इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की. फिजिकल स्टेट दैट इज कलरलेस, स्वीट स्मेलिंग, मोस्टली लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एल्काइल मोनोहैलाइडों की, इट मीन्स ये जो हैलाइड हैं ये ज्यादातर जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, स्वीट स्मेलिंग होते हैं और मोस्टली आपको लिक्विड और सॉलिड स्टेट में मिलेंगे. देखिए, जो लोअर एल्काइल हैलाइड होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ये आपको हो सकता है ये आपको गैसियस स्टेट में मिल जाए. लेकिन जो हायर होते हैं, हायर एल्काइल हैलाइड होते हैं, वो जनरली आपको लिक्विड और सॉलिड स्टेट में विजिबल होंगे, सॉलिड स्टेट में आपको मिलेंगे. नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी. डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि इन एल्किल हैलाइडों की जो डेंसिटी डिसाइड होती है वो इनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर होती है. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है. यानी कि जैसे जैसे आप इनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करोगे वैसे वैसे इनकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती चली जाती है. स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की. दिस इज द मिथाइल फ्लोराइड, दिस इज द मिथाइल क्लोराइड, दिस इज द मिथाइल ब्रोमाइड एंड दिस इज द मिथाइल आयोडाइड. हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप सब में सेम है, मिथाइल ग्रुप सब में सेम है, बट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, वी नो वेरी वेल वी व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक वेट इंक्रीजेस, यानी कि इनका जो एटॉमिक वेट है वो इंक्रीज होता है. ठीक है, तो जब इनका एटॉमिक वेट इंक्रीज होता है तो इसका 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 और इसका, हम बात करते हैं आयोडीन की, आयोडीन का एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा होता है, मिथाइल ग्रुप सब में सेम है, इट मींस इस पूरे मिथाइल आयोडाइड का मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा आएगा. और जब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि मिथाइल आयोडाइड की डेंसिटी मिथाइल ब्रोमाइड से ज्यादा होगी, मिथाइल ब्रोमाइड की डेंसिटी मिथाइल क्लोराइड से ज्यादा होगी, मिथाइल क्लोराइड की डेंसिटी मिथाइल फ्लोराइड से ज्यादा होगी. तो ये डेंसिटी का असेंडिंग ऑर्डर आ गया. स्टूडेंट, सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है आपका इसी के बेसिस पर है, मोलिकुलर वेट के बेसिस पर. यहाँ पर हेलोजन सेम है, सब में हेलोजन सेम है, यानी कि सारे के सारे एल्किल हैलाइडों में फ्लोरीन एटम है, लेकिन पीछे की तरफ जो एल्किल चेन है वो इंक्रीज हो रही है, इट मींस नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, और मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी. तो इसका मतलब इसमें 4 नंबर ऑफ कार्बन है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो प्रोपिल फ्लोराइड से. दिस इज द ब्यूटिल फ्लोराइड, दिस इज द प्रोपिल फ्लोराइड. प्रोपिल फ्लोराइड फ्लोराइड की डेंसिटी ज्यादा होगी एथिल फ्लोराइड से, और एथिल फ्लोराइड की डेंसिटी ज्यादा होगी मिथाइल फ्लोराइड से. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट. देखिए, जिस तरह डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करती है उसी तरह आपका बॉइलिंग पॉइंट भी मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है. तो स्टूडेंट्स, यहां भी मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा. देखिए, मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, इट इज द सेम यहां पर भी
मेथिल आयोडाइड क्या बॉइलिंग पॉइंट मेथिल ब्रोमाइड से ज्यादा होगा। रीजन देना है बिकॉज ब्रोमीन और आयोडीन, जैसा कि मैंने वहां बताया कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक वेट इंक्रीजेस, यानी कि एटॉमिक वेट इंक्रीज होता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि मेथिल आयोडाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा मेथिल ब्रोमाइड से, एंड मेथिल ब्रोमाइड का मेथिल क्लोराइड से, मेथिल क्लोराइड का मेथिल फ्लोराइड से। ये भी असेंडिंग ऑर्डर है। बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल में अगर हम गौर से देखें, दिस इज द प्रोपिल फ्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड बोल सकते हैं इसको, ये एथाइल फ्लोराइड है और ये मिथाइल। हेलोजन सेम है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन चेन, या हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं इट मींस धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन एटम सेम है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा। लास्ट थर्ड एग्जांपल में हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर दिस इज द नॉर्मल प्रोपिल फ्लोराइड टर्सरी ब्यूटाइल, सॉरी नॉर्मल ब्यूटिल फ्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल फ्लोराइड और यह है आइसो ब्यूटिल 1, 2, 3 दैट इज आइसो, क्योंकि 3 से पहले वाले सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक कार्बन आपको नजर आ रहा है, तो ये आइसो ग्रुप है आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल फ्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल फ्लोराइड एंड अ नॉर्मल ब्यूटिल फ्लोराइड, इनकी बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लोरीन सेम है लेकिन यहाँ पर आपके पास अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है, इट मीन्स इनका मोलिकुलर वेट भी सेम आएगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, हम इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे निकालें। तो स्टूडेंट इसको समझने के लिए मैं अभी आपको एक छोटा सा बेसिक फंडा बताता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपके लेटरल चेन जैसे जैसे इंक्रीज होती चली जाती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जैसे जैसे लेटरल चेन इंक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाएगा। लेटरल चेन इंक्रीज होगी, रीजन सुनेंगे ध्यान से, लेटरल चेन यानी कि नंबर ऑफ लेटरल चेन, अगर लेटरल चेन इंक्रीज हो रही है, एल्किल चेन लेटरल चेन इंक्रीज हो रही है तो हम ये कह सकते हैं सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया अगर डिक्रीज हो गया तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी डिक्रीज हो जाएंगे, और वॉन्डरवॉल फोर्सेस अगर डिक्रीज हो जाते हैं तो धीरे धीरे कर बॉइलिंग पॉइंट भी, इट मीन्स वो कम टेम्परेचर पर, वो लो टेम्परेचर पर ही बॉइल होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि एल्किल चेन, अगर लेटरल चेन, एल्किल चेन में ब्रांच और अनब्रांच दो तरह की होती है। देखिए ब्रांच का मतलब होता है उसके लेटरल पार्ट में अगल बगल बहुत सारी ब्रांच निकल रही है, ठीक है, तो अगर ब्रांच ज्यादा होंगी, जितनी ज्यादा ब्रांच चेन होगी अंडरस्टैंड, उसका उस चेन का सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस एरिया रिड्यूस हुआ है तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस रिड्यूस हो जाएंगे, और वैन डेर वाल्स फोर्सेस रिड्यूस हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा रिजल्टेंट क्या निकला, रिजल्टेंट ये निकला स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, या आप इसको सेकंड पॉइंट मान सकते हो कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन द लेटरल चेन या ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन ठीक है यानी कि जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज होंगी, ब्रांचेज इंक्रीज होंगी एल्किल चेन में, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो अगर मैं इसका रीजन दूं तो रीजन ही होगा ड्यू टू डिक्रीजेस, जैसे जैसे ब्रांचेज इंक्रीज हो रही हैं, वैसे वैसे ड्यू टू डिक्रीजेस सरफेस एरिया due to decreases surface area of the molecule
एंड ड्यू टू दिस और इसकी वजह से डिक्रीजेस वान डर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट जैसे ब्रांच चेन एल्किल चेन में अगर ब्रांच इंक्रीज हो रही है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या है इसके पीछे? ड्यू टू द डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है और मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से ड्यू टू दिस इसी की वजह से डिक्रीज इज वान डर वाल फोर्सेज। जो वान डर वाल फोर्सेज है वो भी क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं, और वान डर वाल फोर्सेज डिक्रीज हो जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट वान डर वाल फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ओके ठीक है, सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज को समझेंगे ध्यान से। अगर आपने चेन ब्रांच चेन इंक्रीज कर दी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। रीजन पूछे, ड्यू टू डिक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल, ब्रांच इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वान डर वाल फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगे, और वान डर वाल फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो आ जाइए यहां पर स्टूडेंट्स, दैट इज नॉर्मल चेन, कोई ब्रांच नहीं है, बहुत ज्यादा ब्रांच है, केवल एक सिंगल ब्रांच है। ठीक है, तो जिसमें एक भी ब्रांच नहीं होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आप, मैं इसको ए बी और सी से डिनोट करता हूं, तो आपका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा नॉर्मल ब्यूटिल फ्लोराइड का। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं इन दोनों की, इसमें डबल ब्रांच है, इसमें केवल एक ही ब्रांच है, तो जिसमें कम ब्रांच है उसका बॉइलिंग पॉइंट अगेन इससे ज्यादा होगा, तो सी और उसके बाद बी। इसमें सबसे ज्यादा ब्रांच है, सबसे ज्यादा ब्रांच जितनी ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का डिसेंडिंग ऑर्डर है, अंडरस्टैंड ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप सबको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हम इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दैट इज द 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, दैट इज 2 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड दैट इज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट्स, अब हमें इनकी बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर को बताना है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा। तो जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड यानी कि 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, इट मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे? 2 डिग्री से, और 2 डिग्री का ज्यादा होगा 3 डिग्री से। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर एल्किल हैलाइडों के लिए क्या रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर एल्किल हैलाइडों के लिए रहेगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इज लेस देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड इज लेस देन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर कब फॉलो होंगे, ये रूल्स कब फॉलो होगा? जब उनका मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम हो, यानी कि पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट को प्रायोरिटी देनी है कि मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल का उतना ही ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको आता है सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी? हम इसको इस तरह समझेंगे कि केवल किसी भी सब्सटेंस का वाटर में डिजोल्व होना एक फिक्स टेम्परेचर पर, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें यहाँ एल्काइल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, दीज एल्काइल हैलाइड आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये जो एल्काइल हैलाइड होते हैं ये वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं। ये एल्काइल हैलाइड हम सब जानते हैं पोलर इन नेचर, एल्काइल हैलाइड आर पोलर इन नेचर, फिर भी ये वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होते हैं। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन स्टूडेंट्स ये है, बिकॉज दीज आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, इसी की वजह से ये वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ भी एक एक्सेप्शन है। हम सब जानते हैं कि फ्लोरीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन जो है वो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शन है यहाँ पर,
कि जो मेथिल फ्लोराइड है आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। तो जो मेथिल फ्लोराइड होगा वो वाटर में सोल्यूबल होगा, चाहे वो कम हो लेकिन वो सोल्यूबल होगा। ठीक है, अगर हम बात करें सोल्युबिलिटी की, तो ये जो एल्काइल हैलाइड है वो वाटर में तो लेस सोल्यूबल होते हैं, बट दीज आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि ये जो इनऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक का मतलब ये वो इनऑर्गेनिक नहीं है, इनका मतलब अंदर और ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अंडरस्टैंड। तो यहाँ अलग अलग लिखा हुआ है, इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐसे लिख सकते हैं, इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, सच एज ईथर, सच एज एल्कोहल। तो एल्कोहल, बेंजीन, ईथर, एडीसी, हम इन सब के अंदर इनको डिसॉल्व कर सकते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एल्काइल हैलाइडों में जो एल्किल ग्रुप होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, आप सबको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। एल्काइल हैलाइडों में जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है, मैं इसी की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इन सबको रफ कर देता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इसको समझें। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो एल्काइल हैलाइडों के अंदर, एल्काइल हैलाइडों में जो एल्काइल ग्रुप होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, एल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ये रहा आपका एल्काइल और ये रहा आपका हैलाइड, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब होता है जो वाटर को में डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन जो हैलाइड है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए वाटर में डिसॉल्व है। यानी कि अगर मैं कहूं कि एल्किल ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज होगा, एल्किल ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो ये आपका एल्काइल ग्रुप है, ये जितना बड़ा होगा यानी कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल चेन या एल्काइल ग्रुप, हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेकिन एल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होगा, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप लिख सकता हूं मैं यहां पर, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है, इसको और अच्छी तरह आप समझ सकते हो, यानी कि साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा सॉल्युबिलिटी उसकी उतनी ही कम होगी। तो अगर मैं बात करूं, एक तो है मिथाइल फ्लोराइड, एक है आपके पास इथाइल फ्लोराइड, एक है आपके पास प्रोपाइल फ्लोराइड। स्टूडेंट्स यहां बात करें मिथाइल फ्लोराइड की, यहां पर मेथिल ग्रुप छोटा एल्किल ग्रुप है, स्मॉल एल्किल ग्रुप है, इथाइल थोड़ा बड़ा है, प्रोपाइल थोड़ा बड़ा है, फ्लोराइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तीनों में। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये लेस सॉल्युबल होगा इन कंपैरिजन टू एथाइल, एथाइल लेस सॉल्युबल इन कंपैरिजन टू मिथाइल फ्लोराइड। तो सबसे ज्यादा मोर सॉल्युबल होगा आपका मिथाइल फ्लोराइड, उसके बाद एथाइल फ्लोराइड और सबसे कम प्रोपाइल फ्लोराइड ड्यू टू द एल्काइल ग्रुप, ड्यू टू द एल्काइल, लार्ज एल्काइल ग्रुप लेस सॉल्युबल इन वाटर, लार्ज एल्काइल ग्रुप लेस सॉल्युबल इन वाटर। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो सॉल्युबिलिटी इजीली आपको समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बस हमें यही ध्यान रखना है कि जैसे जैसे एल्किल चेन इंक्रीज होती चली जाती है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। वाटर सॉल्युबिलिटी बात कर रहे हैं हम, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सारे के सारे एल्काइल हैलाइड सॉल्युबल होंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक था वो था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड, वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड। धन्यवाद, थैंक यू।